आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। मैं अथैया हूँ, मैं डॉक्टरेट हूँ, पढ़ाता रहा, प्रोफेसर रहा, फॉर्म भी देखा, गांव में भी रहा, इंग्लैंड में भी रहा। बहरहाल मेरी सारी विशेषता यह है कि मैं 35 दिन की प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती 35-40। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ, लोग डबल इंसेमिनेशन करते हैं साहब, हम पाप भी कर देते हैं फिर भी कर देते हैं। देखिए ये इसमें दिखाया जा रहा है, ये अंडा है जो है हीट में आने के 18 घंटे बाद निकलता है, इसकी 24 घंटे इसकी लाइफ होती है। और ये स्पर्म एक इसमें घुस रहा है, ये 150 लाख स्पर्म जो है वो ये इंसेमिनेटर छोड़ता है, और ये एक स्पर्म इसमें घुसता है 150 लाख में से, और 150 लाख स्पर्म जो है वो जो है 150 लाख स्पर्म जो है वो 4 बूंद में होते, और ये अंदर घुसने के बाद 72 घंटे तक जिंदा रहते हैं। तो दोबारा यही करने का कोई औचित्य नहीं है। एक तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आप जो है कोमेट सर्विक्स डालिए, इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि उसको दोबारा यही करने का कोई ऐसा, भैंस में तो हो जाता है, भैंस में ऐसा है कि वो 2-3 दिन तक हीट में रहती है, उसका हीट भी नहीं पता चलती है। पर गाय में तो जैसे ही वो कूदना पालना शुरू करे उसको रिसेप्टर लगा दिए, उसके 18 से 24 घंटे के बीच में कर दिए, दोबारा यही करने का कोई औचित्य नहीं है। या 2 वो डाल दिया आपने, अब बहुत सा सीमेंट तो 4-4 हज़ार रुपये का रहा है, 100 रुपये का रहा है, 200 रुपये का रहा है, 500 रुपये का, तो आप बार बार AI करेंगे? वो तो जो सस्ता 20 रुपये वाला AI का वो स्ट्रॉ है उसको आप डाल देते हैं, तो सारी दुनिया में मतलब इसी तरह हो रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इन गायों का सीजन होता है, जैसे होल्स्टीन जर्सी का ये बहुत अच्छा सीजन है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, और फरवरी के बाद फिर देसी गाय का सीमेन वो आ जाएगा इसमें जो है। और बफेलो का भी अभी सीजन चल रहा है, बफेलो भी जाड़े में, तो ये अब आपके हाथ में यही गन आ गई, और आपके पास मोटरसाइकिल आ गई, और आपके पास जो है वो मोबाइल आ गया, तो आप कभी भी भाग के पहुंच जाते हैं। हमारे तो हम तो 60 और 70 की बात कर रहे हैं, तब वो जानवर जो है हॉस्पिटल पे ही लाता था, और जब वो गर्म होता था तब वो लाता था। अब तो ऐसा है कि वो 2 बार सीमेंट डाल देते हैं, 2 स्ट्रॉ डाल देते हैं, तो ऐसा ऐसा मत करिए। अब मैं आपको मुद्दे की बात यही बता रहा हूँ कि सीमेंट जो है, जो स्पर्म है वो 72 घंटे तक जिंदा रहते हैं, और जो अंडा है वो 24 घंटे तक जिंदा रहता है, और गाय या भैंस जो है वो हीट में आने के 18 से और 24 घंटे के बीच में ही बुल को चढ़ने देती है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये होता है कि उसमें कभी भी कपुलेशन हो सकता है, और उसमें मेंसेस के 15वें दिन ओवुलेशन होता है, इसमें जो है वो हर 21वें दिन होता है, और ये 18 से 24 घंटे के 3-4 दिन हीट में रहती है, 2.5-3 दिन पहले प्रोजिस्ट्रस होती है, उसमें वो दूसरे जानवर चलती है, वो खड़ी होने लगती है, खड़ी वो 18 से और 24 घंटे के बीच में, उसमें आप कभी भी यही कर देंगे तो ठीक है। वो जो निकाल देती है, थोड़ा निकालती है पीछे से, या वो लिंग को अंदर जाने के लिए होता है, उसका बीज से कुछ भी लेना देना नहीं है। पर लोग बहुत परेशान होते हैं, सब बीज निकाल दिया, बीज निकाल, बीज कहाँ से निकाल दिया, वो तो 0.25 ml होता है, 0.25 ml मतलब चौथाई ml के बराबर होता है, उसमें से अभी 2 बूंद जाता है, और वो भी सर्विक्स में छोड़ा जाता है, उसमें 150 लाख स्पर्म होते हैं, उस स्पर्म में से 1 स्पर्म घुसता है, जैसे आपको मैं ये देखा, ये जो है उसमें बच्चेदानी में घुसता है, और ये टेस्ट ट्यूब में नहीं घुसता है, ये बच्चेदानी में ही घुसता है, टेस्ट ट्यूब में घुसता है तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो ऐसे आप 2 बार AI करना, और फिर अब तो प्रोस्टाग्लैंडिन और कंट्रोल्ड ब्रीडिंग है, तो उसमें 2 बार AI करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 सीमेन स्ट्रॉ डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसके बारे में जो पूछना चाहते हैं पूछिए, मैं डॉक्टरेट हूँ, पढ़ाता रहा, डॉक्टरी भी की, गाँव में भी रहा, विलायत में भी रहा, अवार्डेड हूँ मैं इसमें, एम्ब्रो ट्रांसफर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और मेरा यहाँ देहरादून में अथैया स्कूल ऑफ अथैया रिसर्च एंड ट्रेनिंग एम्ब्रो ट्रांसफर सेंटर है, आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। वैसे मेरे डायरेक्टर हैं राजा जी, इनका टेलीफोन नंबर 7979848332 है, आप उनसे इस संबंध में पूछ सकते हैं, आप मुझसे ही पूछ सकते हैं, मेरा टेलीफोन नंबर जो है वो 8979748686 है। धन्यवाद, आपने सुना।